नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जायफल जो होता है वो हमें बच्चों को किस मौसम में देना चाहिए किस उम्र के बच्चे को देना चाहिए और कितना देना चाहिए और कब देना चाहिए तो चलिए विदाउट आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें जो जायफल है वो अपने जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें किस मौसम में देना चाहिए तो देखिए दोस्तों जो जायफल होता है उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है इस तरीके का जायफल होता है इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है तो इसको हमें जो है बच्चों को सर्दियों के मौसम में देना ही बेस्ट होता है आप गर्मी के मौसम में इसको ना दें इससे क्या होगा कि बच्चे के शरीर में जो है गर्मी ज़्यादा होगी तो आप बच्चों को जो है ये जायफल जो है सर्दियों के मौसम में दे सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब बात करते हैं कि हमें बच्चे को एक किस उम्र से देना चाहिए तो देखिए दोस्तों जायफल जो होता है वो हमें बच्चों को जो हमारे छोटे बच्चे हैं न्यू न्यूबॉर्न बेबीज हैं जैसे कि अभी आपके बेबी ने जन्म लिया है बच उसके छः दिन बाद सात दिन बाद आठ दिन का दस दिन का तो भी आप दे सकते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये आप बच्चों को आपके बच्चे के तीन साल तक की उम्र है तो भी आप दे सकते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो हो गई बात कि बच्चे को किस एज में देना चाहिए अब बात कर लेते हैं कि बच्चे को ये हमें कब देना चाहिए तो देखिए दोस्तों ये जो जायफल है हमें बच्चों को कब देना चाहिए जब भी हम बच्चों की जो है मसाज वगैरह करते हैं नहलाने के बाद जब भी हम बच्चों को मतलब सर्दियों के मौसम में मसाज देते हैं उनके कपड़े वगैरह चेंज कराते हैं दस ग्यारह बजे के समथिंग तभी आप बच्चे की मसाज करने के बाद इसका जो है पेस्ट बना करके बच्चे को दे दीजिए आप हाँ बच्चे को ये सिर्फ 24 घंटे में एक बार भी देंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अगर चाहती हैं तो दो बार दे सकती हैं अगर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम वगैरह है तो आप इसको दो बार दे सकती हैं अदरवाइज़ सर्दियों में आप पर डे बच्चे को जो है 24 घंटे में एक बार मतलब जैसे आपने आध दो के दस बजे बच्चे को निला दुला के तैयार करके जायफल चटाया तो अगले दिन आप दस ग्यारह बजे फिर से दे सकती हैं तो मतलब एक बार आप इसको दे सकती हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कितना कितना देना है तो छोटे बच्चों को सिंपली जो हमारी जो इस तरीके की स्पून होती है छः महीने से जो छोटे बच्चे हैं तो इतने अंदर अंदर जो बन जाता है छोटी सी घेरे के अंदर उतना आप दे सकते हैं आपका बच्चा जैसे कि ये जो स्पून है ना इतना इस तरीके से आधा स्पून भर जाए वो आप दे सकते हैं उसका पेस्ट बना करके पेस्ट कैसे बनाना है वह मैं आपको बता दूँगी और किस किस तरीके से देना है वो भी मैं आपको बता दूँगी लेकिन उससे पहले इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपने बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए जो हमारे छः महीने से छोटे बच्चे हैं या एक साल तक के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आप जब भी बच्चों को पेस्ट बना करके दें तो इस बात का ध्यान रखें कि मदर जो है अपनी ब्रेस्ट मिल्क का ही यूज़ करें जो नॉर्मल दूध होता है उसका यूज़ ना करें अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है उसी का यूज़ करें उसको ही यूज करके जो है आप बच्चे के लिए जो पेस्ट है उसको तैयार करें ठीक है आप पानी से बिल्कुल ना करें क्योंकि वो बच्चे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा जिससे कि बच्चे को शरीर में अच्छी तरीके से गर्माहट आएगी ठीक है ये तो बात हो गई कि बच्चे को हमें अपने ही ब्रेस्ट मिल्क में देना है अगर नहीं आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो आप बच्चों को पानी में या फिर जो नॉर्मल घर में जो दूध है उसमें आप बना करके के दे सकती हैं ठीक है थीके? अब इसको बनाना कैसे है सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस किस तरीके से बच्चों को ये जायफल आप दे सकती हैं तो देखिए ये जो जायफल है मैं अपने बच्चों को देती हूँ इस तरीके का दिखने लगता है जब हम बच्चों को ये जायफल देते रहते हैं इस तरीके से जैसे लाई सुपाड़ी होता है उस तरीके से ठीक है तो ये तो इस तरीके से है तो हमें करना क्या है देखिए आपको इस तरीके से कोई भी एक पत्थर ले लेना है या फिर आपके घर में जिस पे भी आप रोटी वगैरह बनाती हैं वो आपको सिंपली इस तरीके से लेना ले लेना है उसके बाद आपको क्या करना है जो दूध है दूध कौन सा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही लेना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरीके से इतना ही दूध निकालना है ज़्यादा नहीं निकालना है उस अब इसमें आपको इस तरीके से इस तरीके से इसके अंदर घुमाते जाना है घुमाते जाना है एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब ये जायफल आप यूज़ कर रही हूँ उससे पहले आपको इसको एक बार वॉश कर लेना है ठीक है ना जैसे अभी इसको यूज़ करने के बाद आप क्या करेंगे इसको धुल करके फिर रख देंगे अगेन ठीक है तो इस तरीके से आप जो है पत्थर पर इस तरीके से रड़ते जाए ठीक है भी इसका कलर चेंज हो जाएगा ठीक है तो आप ये देख सकते हैं इसका जो है पेस्ट सा बनने लगा है ऑलमोस्ट ठीक है इसी तरीके से हमको इस तरीके से घुमा घुमा कर इसका पेस्ट बना लेना है ठीक है आपको भी पत्थर पे इस तरीके से घुमाते जाना है इसका पेस्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा उसके बाद ये जो है हम इसको अगेन अगले दिन यूज़ करने वाले हैं तो इसको हमें धुल करके फिर से रख देना है ठीक है हमेशा वॉश करिएगा यूज़ करने के पहले भी और यूज़ करने के बाद भी ठीक है इस बात का ध्यान रखना है अब इसको हमको क्या करना है इस तरीके से फिंगर पे आपको लेना है और इसको इस तरीके से स्पून में आपको भर लेना है ठीक है इस तरीके से ठीक है उंगली की सहायता से ऐसे ऐसे करके आपको इसमें कर लेना है क्योंकि इसको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है तो आप उंगली के सहारे से इस तरीके से इसको कर ले और ये जो आप जायफल का पेस्ट देख रहे हैं ये आपको आपके बच्चों को देना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को पीने में दिक्कत होगी तो आप इसमें जो है थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं ठीक है तो ये जायफल का पेस्ट आप अपने छोटे बच्चों को दे सकते हैं जो हमारे छः महीने से छोटे बच्चे हैं या फिर छः महीने से बड़े बच्चे भी हैं उन्हें भी आपको देना कितना है इसी तरीके से आपको बना करके देना है इसको इसमें आप थोड़ा सा दूध और मिलाएंगे तो इस तरीके से इतना इतनी हाफ स्पून भर जाएगा ठीक है तो ये इस तरीके से आपको पेस्ट बना करके बच्चों को देना है ठीक है पहला

या फिर आप इस शहद के अंदर इस पाउडर को इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं ठीक है तो ये जो जायफल और जो शहद का पेस्ट है ये भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं जो हमारे बड़े बच्चे हैं एक साल से बड़े बच्चे हैं उनको आप इस तरीके से भी जो जायफल है वो खिला सकते हैं तो आप समझ गए आप जो है इस तरीके से शहद और जायफल भी दे सकते हैं और इस तरीके से आप जो है दूध और जो जायफल है उसका पेस्ट दोनों ही तरीके से आप दे सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि आपको जो जायफल है वो किस किस तरीके से आप दे सकते हैं बच्चों को और इनके बेनिफिट्स क्या है कितना देना है कब देना है किसे देना है ये सारी ही बातें आपको इस वीडियो के अंदर जो है पता चली होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो और आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अदर पेरेंट्स के साथ में जिससे उन सभी की भी हेल्प हो सके तो अगर आप हमारे चैनल पर बार बनाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक लमस्कार थैंक यू